सो गाइज, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते थे तो आज से आप विंडोज़ 11 भी यूज़ कर पाएंगे। जी दोस्तों, ऑफिशियली विंडोज़ 11 अभी लॉन्च होने वाला है, लेकिन दोस्तों उससे पहले, लॉन्च होने से पहले ही विंडोज़ 11 लीक हो चुका है। तो अभी से क्या है, बहुत सारे यूजर्स विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं। जी दोस्तों, अपने PC पे या फिर लैपटॉप पे इंस्टॉल करके वो लोग यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप विंडोज़ 11 मतलब विंडोज़ 10 से 11 पे जाते हो तो क्या क्या आपको चेंजेस नज़र आता है, आज की इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में। और विंडोज़ 11 क्या आपकी मशीन में चल पाएगा, आपके पास जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है क्या उसमें चल पाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है विंडोज़ 11 को रन करने के लिए, वो सारे सब कुछ बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पता चले, ठीक है। सो हे गाइस, आप देख रहे थे स्मॉल टेक पीसी यूट्यूब चैनल, मैं हूं पीयूष, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो गाइज, यहाँ पे मैंने विंडोज़ की जो स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चेंजेस नज़र आएगा, वो मैं 7 पॉइंट पे यहाँ पे डिवाइड कर चुका हूँ। यानी कि 7 पॉइंट है मेरे पास, मैं बताऊँगा एक के बाद एक के क्या क्या चेंजेस आपको मिल सकता है विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के बाद। जी गाइज, तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि विंडोज़ 11 जो है वो लॉन्च होने वाला है ऑफिशियली 24 जून को। जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने ये कह दिया है कि विंडोज़ 11 जो है वो ऑफिशियली यानी कि सबके पास अभी एक्सेस होगा तो वो 24 जून के बाद ही। ठीक है गाइस, आप परचेज भी कर सकते हो, लेकिन अभी से बहुत सारे लोग इसका जो लीक वर्जन लीक हुआ है उसी से डाउनलोड करके अपने PC पे इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। सो गाइस, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो 7 पॉइंट क्या है कि अगर हम विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने PC पे तो क्या क्या चेंजेस हमको नज़र आएगा। तो गाइज, नंबर 1 है लोगो डिज़ाइन। जी गाइज, विंडोज़ 11 में लोगो को डिज़ाइन किया गया बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। इसका लोगो जो है आप 10 से 11 आप देखेंगे तो आपको चेंजेस नज़र आएगा। तो नंबर 1 इज लोगो चेंज। सो गाइज, नंबर 2, स्टार्ट मेनू एंड अदर्स आइकन जो है वो अभी मिडिल पे आपको नज़र आएगा। जी दोस्तों, विंडोज़ का जो टग्स बार है उसके मिडिल पे आपको जो आइकन वगैरह है वो सारा सब कुछ आपको मिडिल पे नजर आएगा, ठीक है। तो गाइज, नंबर थ्री है वॉलपेपर। जी गाइज, न्यू वॉलपेपर भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, लाइक विंडोज 10 एक्स प्रो की तरह, ठीक है। यहाँ पे आप तरह तरह के विंडोज की जो वॉलपेपर है वो यूज कर पाएंगे, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लुक देगा। आप देख सकते हो पीछे इस लैपटॉप में एक वॉलपेपर रखा हुआ है, ठीक है। सेम विंडोज 11 का ये जो वॉलपेपर है ये विंडोज 11 का है, ठीक है गाइज। सो नंबर 3 इज वॉलपेपर चेंजेस। सो गाइज, नंबर 4 इज विजेट। जी गाइज, विजेट विंडोज़ के साथ ही आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, मतलब कि विजेट के जो डेवलपर्स अगर चाहते हैं तो वो अपने ही सॉफ्टवेयर वो खुद क्रिएट करके इसके अंदर डाल सकता है विजेट के अंदर, ठीक है। सो गाइज, नंबर 5 इज यू कैन ऐड अ स्नैप कंट्रोल, ठीक है। स्नैप कंट्रोल के जरिए आप मैक्सिमाइज जो पेज होते हैं उसे आप कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि ये जो पुराना वाला विंडोज़ था 10 में भी आप किया जा सकता है, मतलब आप कर सकते हो बाया कीबोर्ड की शॉर्टकट्स के जरिए, ठीक है गाइज। सो गाइज, नंबर सिक्स इज विंडोज स्टोर। जी गाइज, विंडोज स्टोर में भी आपको चेंजेस नज़र आएगा, ठीक है। उसके इंटरफेस वगैरह सब कुछ आपको चेंजेस नज़र आएगा, क्योंकि आप विंडोज 10 नहीं रहा, विंडोज 11 पे आप आ गए हो, तो आपको विंडोज की जो चेंजेस है विंडोज स्टोर की वो भी आप देख। सो गाइज, नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Xbox इंक्लूडिंग विद दिस OS। जी गाइज, Xbox आपको पता है कि Xbox के अंदर आप गेमिंग वगैरह खेल सकते हो कंट्रोल के जरिए, ठीक है, जॉयस्टिक वगैरह जो होते हैं उसके जरिए, तो Xbox भी इसके अंदर इंक्लूडिंग होंगे। अगर आप चाहते हो तो आप इसे इस्तेमाल करके गेम वगैरह खेल सकते हो सर्वर से या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करके, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। सो गाइज, ये जो 7 पॉइंट है ये आपको चेंजेस नज़र आएगा, ठीक है, जो कि मैंने फाइंड किए हैं और आपको बताया है, ठीक है गाइज। तो गाइज, अभी मैं बताऊंगा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आपके PC में रन हो पाएगा या फिर नहीं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है गाइज। तो चलो अभी रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि इस विंडोज़ को चलाने के लिए आपका कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकता है। सो गाइज, नंबर 1 इज प्रोसेसर आपको 1.2 GHz सिंगल कोर विथ 32-bit होना चाहिए, और प्रोसेसर 1.2 GHz सिंगल कोर विथ 64-bit होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 2 GB रैम होना चाहिए आपके PC के अंदर। नंबर 3 इज आपकी स्क्रीन रेजुलेशन 1024x768 रेजुलेशन के अंदर होना चाहिए।
आपका स्पेस आपका 15 GB तक होना चाहिए, मतलब कि आपके हार्ड डिस्क में 15 GB अवेलेबल स्टोर होना चाहिए। सो गाइज, आज का वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल से मिलता रहता है। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सो गुड बाय।